মেবি শুনলাম অনেক ভালো লাগলো তুমি কি আনতা তুমি ফিল করাও তো ওড়ে নিলে इनको बहुत अच्छी लगी है फ्रॉक और ऑर्डर करने के लिए मेरे को बोलना चाह रहा था ये वाली देख कितनी अच्छी है। तो गाइस यार बस एक ही चीज कहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना, और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से सलाम, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल मिस लतिका ब्लॉग। तो आज की गुड मॉर्निंग ससुराल में, तो अभी मैं फ्रेश हो गई हूँ मतलब अच्छे से, तो अभी हम लोग ने जाना है किचन में चाय पीने के लिए, क्योंकि 7:30 बजे के करीब ही मैं उठी थी। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए, तो चाय रेडी है, तो साथ में हम लेके जाएंगे मम्मा की भेजी हुई कचौरियाँ। इसी पर रखियो, मम्मी नहीं खाती ना जो चीज खराब हो, मम्मी कभी नहीं खाती। तो यहाँ पे मम्मा ने बना लिया। मम्मा जय माता दी, जय माता दी। हेलो गाइस, हेलो गाइस, जय माता दी। तो मम्मा ने बना दी थी सब्जी आलू पत्ता गोभी की, तो अभी हम लोग पियेंगे चाय, कुछ नहाने वाले हैं। मम्मा ने बना दी, इसके अभी सगन कराने हैं, तभी नहाने हैं। ਅਲੀ ਕਲਾ ਸਗਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਦੇ ਕੇ ਰਾਤੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਹਲੇ ਹਲੇ ਸਗਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਇੰਨਾ ਹੈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਭਾਂਡੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਜਾਈ ਲੈ ਅਭੀ ਸਗਨ ਕਰਾਣੇ ਇਸ ਨੇ ਹਾਂ ਅਭੀ ਸਗਨ ਹੋਣਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਣੇ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜਗ ਗਲਾਸ ਫੜ ਕਿਉਂ ਰੁਣਾਣੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਗਲਾਸ ਫੜ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਗੋਏ ਦੀ ਪਾਤੀ ਹੈ ਬਟਨ ਪਾਤੀ ਬਦਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਇਸ ਅਭੀ ਹਮ ਲੋਗ ਅਬ ਮੁਝੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਲੌਗ ਐਡੀਟਿੰਗ गाइस अभी हम बनाने वाले के लिए चपाती, जो साथ में आज हमारे घर में आ रहे हैं गेस्ट, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ मटर पनीर। तो ठीक है, मतलब अभी यानी को भेजना है, टिफिन इनका पैक करना है, काफी लेट हो गया, वहां मैं काफी जल्दी कर देती हूँ। तो यहाँ पे मुझे हिसाब नहीं लग रहा हूँ, 7 मिनट लेने थे शगुन शगुन, तो वो टाइम लग गया उसको। तो अभी गाइस मिलते हैं। गाइस अभी मैं करने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट का टाइम जो है बहुत ज्यादा हो गया है। तो यहाँ पे मैंने बनाया आलू मटर की सब्जी, सॉरी आलू पनीर और मटर। मैंने डाल लिया अपना ब्रेकफास्ट। गाइस गेस्ट हमारे घर में आ गए हैं, और भाभी ने गेस्ट को देख के किया सूट चेंज, बड़ी बेइज्जती करनी होनी है तुमने। और इधर अभी ये खाना बना रही है, पहले चेंज करना क्योंकि मैं वो मेरा सूट गिल्ला हो गया। तो अभी मैं बना रही हूँ इधर मॉकटेल उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ मन्नू आज हमारी चटनी बना रही है, क्योंकि मन्नू बोल रही है कि मेरे 12th के एग्जाम जो वो हो गए खत्म, तो मुझे कोई काम सिखाओ। मैंने बोला मता नहीं, तो तू मता नहीं, मुझे चटनी बनाने थी सीखी ले, तो चटनी बनाने की कोशिश कर रही है वो बेचारी, इमली का गोल बना के डालेगी, बाकी उसने सब डाल दिया, तो 10-10 बार पूछ के डाला है। तो यहाँ भाभी चटनी बना रही है, और मैंने सोचा कि उनको ड्रिंक में पहले मॉकटेल देते हैं, तो आज मैं बना रही हूँ मॉकटेल, मतलब इस सीजन की इस घर में फर्स्ट मॉकटेल है। पहले नहीं बनाई थी मैंने, शायद पहले बनाई भी थी पता नहीं ज़्यादा। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम मॉकटेल बना। मैं पिछू घर नहीं, मेरे पिछू फ्रिजे पर फोन मेरी भाभी ने, बस कर नहीं बर्फ खाने, मेरे फ्रिजे घट गए। लपेटी लपेटी रखे मन कर बर्फ मंग लिया, मैंने बर्फ दिखी साढ़े वास्ते बनाइए, थोड़ा वास्ते केह बना, हम बाद नहीं पी सकते तुम, बेर एक ही लगी लिमका तो गड्डी लिए। हां जी हां जी आंटी, रुको पुछ लैंदे हो, मासी होरा दिया मम्मी पुछ लिया पहले। ओ ले ओ ले, किन्ना गंद पाई एरी गया, गांडिये घर करे बिबलिया बिबलिया बलिए, एरी गया ऐसा नहीं है।
कदे नहीं लगी आ अभी लाइट ऑन करियो तुम बस ये देखो कितना कितना गंद डाला हमने बनाते हुए लाओ चाय मैं लेके जा रही हूँ मासी जी के लिए चाय दोनों के लिए चलो चलते हैं अभी मुझे करवाना है लंच तो मेरे लंच में सब्जी में गरम कर रही हूँ और मटर राइस मटर जीरा राइस और साथ में मैंने सैलड जो वो काट लिया अभी और दही रायता और हमारा सब्जी वही सुबह मैंने बनाई थी मैंने जल्दी जल्दी बना ली थी अभी वो गाइस मुझे बनानी चपातीज और क्यों क्योंकि मम्मा गए हैं सत्संग तो यहाँ पास में ही था और जरूरी भी था जाना तो मम्मा बोल रहे मैं चक्कर लगा के आती हूँ और भाभी को मैंने बिठाया मासी जी के पास क्योंकि ऐसे थोड़ा होता ना अकेले में गाय बैठना तो मैंने सोचा आपने फटाफट खाना ही वो प्रिपेयर कर लेती हूँ आप बैठो तो खाना बना के मैं बुलाती हूँ लगा के मतलब बुलाती हूँ भाभी को सर्व करने के लिए तो ठीक है मिलते हैं लंच के साथ अगे कौन नहीं बैठना अगे नहीं आई भाभी बढ़ाई लो नहीं अगे ना बुलाई भाभी वाला गाइस गेस्ट हमारे चले गए हैं भाई तो उनको घर जल्दी जाना था और वो चले गए हैं और हम लोग करें इधर शादियों का बेट शादी है ना मतलब हमारे मासी जी के लड़के की तो यहाँ मैं और भाभी आप देख सकते हो भाभी भी फ़ोन पे लगी हुई है और मैं भी और मन्नू भी यहाँ देख रही है अब हम लोग पता क्या करें शॉपिंग कर रहे हैं अच्छे अच्छे ड्रेस देख रहे हैं बस हमारा यही होता है शादियाँ बस हम अभी मतलब उन लोगों ने शादी की डेट्स भी फिक्स नहीं की होती है हम लोग बस करने लगते हैं तैयारी बस इसी हार्स बांध दे अभी हार्स बांध दो तू क्या हार्स बांध करने बस नहीं देखनी ड्रेस तो अभी हम ना हमारा पता क्या है हम लोग देख रहे हैं इधर ड्रेस कौन सी लेनी है शगुन के दिन कौन सी लगानी है और भाभी बोल रही गीत गाने जाना है गीत गाने के लिए भाई नई ड्रेस लेनी है तो हम लोग बस वही सिलेक्ट कर रहे हैं हमारा ये है कि हम लोग सेम सेम कलर डालेंगे तो शैल लगना चाहिए मतलब ठीक है तो बस हमारा यही हो रहा है तो आप लोगों को देखना हम लोग जाने वाले हैं गीत गवाने के लिए नवरात्रों में
तो आपको देखना है कि हम लोगों ने कौन कौन सी ड्रेस पहनी है। हम लोग सेम सेम सोच रहे हैं, ठीक है, सेम कलर सेम ड्रेस। तो अभी हम लोगों का सिलेक्ट नहीं हुआ कुछ, मतलब देख रही हूँ मैं कब से, तो कभी भाभी मतलब ये बोलती नहीं यार ये स्ट्रिप्स वाला है, ये वैसा है, ये वैसा है, तो जो इनको पसंद आता वो मेरे को नहीं आता। तो अभी हमारा चल रहा है, क्योंकि पहले हमने गीत गाने के लिए लेना है एक ड्रेस, फिर उसके बाद हम लोग बहुत सारे कर देते हैं ऑर्डर। तो मतलब जब हम लोग ले लेते हैं जो हमें अच्छा वाला लगता है ना कि ये वाला आया भाई, तो क्योंकि ऐसा होता है कि जब शादी के थोड़े दिन रह जाएं तो फिर हमारा ये होता है कि नहीं अभी आना नहीं है ना, तो हम लोग पहले ही ऑर्डर कर देते हैं, तो उस दिन कोई ना कोई तो पहुँच ही जाएगा। तो बस तो ठीक है गाइज, अन्नी अन्नी का कॉल आ रहा है। तो पापा जी आए हैं काम से, उनको चाय नहीं पीनी है, उनको पीनी है मॉकटेल, और मॉकटेल यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ। गाइस इनको बहुत अच्छी लगी है फ्राक, और ऑर्डर करने के लिए मेरे को बोलना चाह रहा था ये वाली देख कितनी अच्छी है, और सेम सेम ले लेंगे, अगर तेरे को भी अच्छी लगती है तो देख देख देख। बोलो बोलो फिर से बोलो। शैला बड़ी शैल है। तो गाइस अभी हम लोग कर रहे हैं शॉपिंग, इस टाइम हम लोग थोड़े से बिजी, तो मिलते हैं आपको अभी चाय के साथ। So guys, drink is ready. अभी हमारा आ गया वही अपना इवनिंग टाइम, टी टाइम। खिचोरियाँ लाके हमने खिचोरियाँ अलग से निकाली, क्योंकि हमें बार बार पेटी नीचे उतारनी पड़ती है, तो हमने उतार के रख ली क्योंकि खाते रहते ही हम लोग। ये देखिए फोन लवर, ये करना।